हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और जो भी मैंने वीडियो डाली है, आई होप कि आपको वो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मेरा आज का वीडियो है वो है कि पहाड़ी घर कैसे होते हैं, उनमें उनको बनाने में क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, तो मैं पूरी चीजें डिस्कवर करूंगा आज। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको घर का व्यू दिखाता हूँ कि पहाड़ी घर कैसे होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले बाहर का व्यू दिखाता हूँ घर का। दोस्तों, जो पहाड़ी घर की बनावट होती है आगे से, वो कुछ ऐसी होती है। और ये घर के आगे है वरांदा, जिसे गढ़वाली में चौक कहा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमने बर्तन रख रखे हैं बाहर। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको घर का बैक साइड दिखाता हूँ कि बैक साइड से घर कैसे दिखते हैं। दोस्तों, ये है घर का बैक साइड, ऐसा व्यू है पीछे से घर का। जो पहाड़ी घर होते हैं वो मिट्टी, पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन होते हैं। ये है पीछे की दीवार जो बनी है पत्थरों की, और इसमें मिट्टी का यूज़ किया जाता है इसको बॉन्ड बनाने के लिए, ताकि आपस में पत्थर चिपके रहें, इसलिए मिट्टी का यूज़ किया जाता है। ये ऊपर छत है, छत में ये जो पत्थर है इन्हें पठला कहते हैं गढ़वाली भाषा में। जो ये आप ऊपर देख रहे हो यहाँ पर, तो यहाँ से ढाल स्टार्ट होती है दोनों साइड, तो ये सेंटर है घर का। पहाड़ों में ढालूदार घर इसलिए होते हैं क्योंकि पहाड़ों में बारिश और बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है, तो उससे बचने के लिए पहले ढालूदार घर बनाए जाते थे। लेकिन अब जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है गांव में भी, तो गांव में भी अब सीमेंट के घर बनने स्टार्ट हो गए हैं, और अब पुराने घर आपको कम ही देखने को मिलेंगे। जो ज़्यादा ही पिछड़ा हुआ इलाका होगा वहीं पे आपको पत्थरों वाले घर देखने को मिलेंगे, बाकी अब सब जगह सीमेंट वाले घर ही बन चुके हैं। तो ये था पीछे का व्यू कुछ ऐसा। तो दोस्तों, जो घर का जो बैक साइड होता है इसको पूरा इस पर नहीं चिपकाया जाता है, क्योंकि क्या होता है जब बारिश होती है तो पानी आ जाता है, वो यहाँ पे जमा होता है, फिर जब यहाँ पे जमा होता है पानी तो रिस कर घर के अंदर चला जाता है, इसलिए बीच में स्पेस दिया जाता है ताकि जो पानी रहता है वो यहीं पे गिरे और यहाँ से फिर नीचे कवर हो जाए। क्योंकि जब पानी छत में गिरेगा तो छत से पानी नीचे टपकेगा, अगर यहाँ पर गैप नहीं रहेगा तो सीधे क्या होगा, दीवार से रिस करके अंदर चला जाएगा। तो इसकी वजह से बीच में स्पेस रखा जाता है ताकि पानी नीचे गिरे और यहाँ से फिर सीधे नीचे चला जाए, घर के अंदर पानी ना जाए, इसलिए यहाँ पर बीच में गैप रखा जाता है दोस्तों। तो पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, और ये है साइड का व्यू। ये आप देख सकते हैं, ये पत्थर है, ये साहूल से बनाया जाता है, जिस ये देख रहे हो आप, इसमें साहूल का यूज़ किया जाता है, तभी जाके बिल्कुल एक लाइन पे ये बनता है। एक पत्थर है, फिर बीच में ये जो छोटे छोटे पत्थर है इनमें गढ़वाली में चपरा कहा जाता है, हिंदी में मुझे पता नहीं, ये मिट्टी इनके बीच में जोड़ बनाने के लिए मिट्टी रखी जाती है। ये देख सकते हो, पत्थरों को भी तराशा जाता है पहले बिल्कुल एक साइज़ में, तब जाके ये फिट होते हैं। तो जो मिस्त्री होते हैं वो इस काम को करते हैं, देख सकते हो आप, यहाँ से ऊपर, फिर बीच से, फिर नीचे, ये है। और इस पर सीमेंट नहीं लगाया जाता, इसके मिट्टी से इसको बाहर से इसको इसकी लिपाई पुताई की जाती है। ये आप ऊपर का भी देख सकते हो, ये यहाँ पे। तो दोस्तों, अब मैं आपको फ्रंट व्यू के बारे में बताता हूँ। फ्रंट व्यू में सबसे पहले ये आप देख सकते हो, ये है सीढ़ी। ये सीढ़ी भी पूरी पत्थरों की बनी हुई है, सबसे पहले नीचे छोटे छोटे पत्थर, फिर ऊपर पूरा एक ही पत्थर रखते हैं, सेम ऐसा। ये भी है, ये भी, ये देख सकते हो आप। तो दोस्तों, ये वाली सीढ़ी भी आप देख सकते हो, पूरी पत्थर की बनी हुई है।
तो दोस्तों अब मैं आपको दरवाजे के बारे में बताता हूँ। जो घर के दरवाजे होते हैं गांव में पहाड़ में, वो पूरे लकड़ी के बने होते हैं। देखो ये चीड़ की लकड़ी है, चीड़ के पेड़ मैंने कल आपको बताया था। तो चीड़ के पेड़ को क्या होता है, इसका चिरान किया जाता है, बीच से इसको फाड़ा जाता है इसे। तो ये देख सकते हैं आप पूरा लकड़ी का, ये भी पूरा लकड़ी का है। गढ़वाली में इसे संघाड़ कहा जाता है, ये नीचे पत्थर का है, कहीं कहीं पे ये लकड़ी का भी होता है, देख सकते हो आप। ये भी पूरा, ये मोर है, गढ़वाली में इसे मोर कहा जाता है या मुआरी कहते हैं कोई कोई। और ये है जलाठा, गढ़वाली में इसे जलाठा कहा जाता है, ये सामान रखने के लिए यूज़ किया जाता है। सेम डेट आप यहाँ पे भी इसे देख सकते हैं। और ये है इस पर कुंडा, बिल्कुल सिंपल सा लोहे का। और यहाँ पे अभी बंद है इसलिए यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो ये था दरवाजे का व्यू ऐसा। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि कहीं कहीं पे लकड़ी का यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे ये लकड़ी का है, देखो ये पूरा लकड़ी का है। फिर यहाँ पे ये पत्थर का है, देखो ये पत्थर का है, संघाड़ गढ़वाली में से कहा जाता है। सेम यहाँ पर भी ये पत्थर का है, ये लकड़ी का है, ये कुंडे का, ये कुंडा है, ये भी लकड़ी का है। ये घर पुराना हो गया है इसलिए इसकी जो हालात है वो ठीक नहीं है। ये घर का कुंडा आप देख सकते हो यहाँ पे, दरवाजा भी ये पूरा लकड़ी का है और चीड़ के पेड़ का है। ये पुराना घर है, यहाँ कोई रहता नहीं है इसलिए इसकी कंडीशन ठीक नहीं है। अभी मैं क्वारंटाइन में हूँ तो मैं घर भी नहीं जा सकता, नहीं तो मैं आपको घर का जो मैं घर के जो हमारे घर के दरवाजे हैं मैं वो भी आपको दिखाता। तो अब मैं आपको घर की छत दिखाता हूँ कि फ्रंट से कैसी दिखती है। तो ये है कुछ छत का व्यू। ये पत्थर क्यों होते हैं दोस्तों, ये पत्थर जहाँ पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं वहाँ से निकाल के लाए जाते हैं और फिर इनको घर पे लगाया जाता है। अब तो ये रुपए में भी लेके आते हैं, अब तो ये मार्केट में भी अवेलेबल है, रुपए में भी आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। तो ये आप फ्रंट व्यू देख सकते हो यहाँ पे घर का। गढ़वाल में इन्हें पठला कहा जाता है, जो ये पत्थर है। यह है दरवाजा, इस पे दूसरी वाली कुंडी है, ये पूरा लकड़ी का है, ये जलाठा है, गढ़वाल में से जलाठा कहा जाता है, मैंने आपको कहा है अभी। और ये आप ये पूरा पत्थर का बना हुआ है, गढ़वाल में इसे छज्जा कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे ये अब तो सीमेंट के बनते हैं खैर, लेकिन पुराने जमाने का इसलिए ये पत्थर का ही है। और ये देख सकते हैं आप, ये पूरी इसमें मिट्टी की लिपाई पुताई हुई है, फिर बाहर से इसमें चूना किया गया, देख सकते हैं आप। तो ये आगे का है वरांदा, गढ़वाली में इसे चौक कहा जाता है। ये दीवार है, गढ़वाली में इसे दिवाली कहा जाता है, दिवाली, दिवाली या तिवारी भी कहते हैं कोई कोई। ये चौक है जो पूरा पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे कोई नहीं रहता इसलिए यहाँ पे ऐसा घास और मिट्टी हो रखी है। अगर यहाँ पे कोई रहता तो बिल्कुल साफ रहता है बस। ये देखो, ये आप देख सकते हैं ये पत्थर है इस पर लगे हुए। तो दोस्तों ये है खिड़की, ये भी लकड़ी की है और बीच में सरिये के डंडे हैं। तो दोस्तों ये था घर के बाहर का, और अब मैं आपको घर के अंदर की चीज़ें दिखाता हूँ। तो आपको मैं ये नीचे वाले घर का दिखाता हूँ पहले। दोस्तों जो ये नीचे वाला कमरा है इसे गढ़वाली में वबर कहा जाता है। ये है चूल्हा, यहाँ कोई रहता नहीं है इसलिए इसकी पूरी हालत ख़राब हो रखी है। और ये दीवार भी पूरी काली हो रखी है।
क्योंकि यहाँ बहुत टाइम से लिपाई पुताई नहीं हो रखी है, इसलिए ऐसी हालत हो रखी है दीवार की। ये देख सकते हैं यहाँ पे दीवार पे क्रैक भी आ रखे हैं। और ये है जलाटा जिसके बारे में मैंने बताया था। लाइट की फिटिंग देख सकते हो आप यहाँ पे, और दीवार की तो पूरी हालत ख़राब हो रखी है। ये इस कमरे की छत है, छत पे भी पूरी मकड़ी के जाले लगे हुए हैं और बिल्कुल काली पड़ रखी है। ये लकड़ी के है, ये इसे पसीना कहा जाता है। आपको ऊपर वाले रूम का दिखाता हूँ कि ऊपर वाले रूम में क्या क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, इस ऊपर वाले रूम को मजूल कहा जाता है गढ़वाली में। नीचे वाले को बबर, ऊपर वाले को मजूल। दरवाजे आप देख सकते हो सेम लकड़ी के, इस पे ये कुंडा और पूरा ही लकड़ी का ही है, देख सकते हैं आप। इसके बाद ये देखिए नीचे का, इसे ये जो फर्श है इसे गढ़वाली में कहा जाता है म्याल, इसे म्याल कहा जाता है। और ये पूरा मिट्टी का बना होता है। इस पे ये हमने ऊपर से तिरपाल बिछा रखा है अभी, ताकि मिट्टी हमारे पाँव पे ना लगे और ज़्यादा मिट्टी उखड़े भी ना, इसलिए हमने ये तिरपाल लगा रखा है। ये आप देख सकते हैं, ये भी पूरी मिट्टी की दीवार है। एक पत्थर से चिनाई की गई है और बाहर से इस पे मिट्टी की लिपाई पुताई की गई है। गांव में जो बिजली की फिटिंग होती है, जो पुराने घर में होती थी, वो कुछ ऐसे होती थी, बाहर बाहर ही कर देते थे बिल्कुल टेम्प्रेरी टाइप में। ये है मीटर, ये यहाँ पे फ्यूज़, ये बोर्ड है मेन बोर्ड, और ये कुछ पुराने ज़माने का लाइट भी इस पर थोड़ी सी जल रही है। ये है बल्ब 100 वाट का, तो ये आप देख सकते हैं। ये मैं ऊपर का दिखाता हूँ, इसे कहा जाता है दार। गढ़वाली में हमारी भाषा में इसे दार कहते हैं, और इसे कहते हैं पशना। गढ़वाली में इसे पशना कहते हैं, या अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोला जाता है, बट हमारी साइड में इसे पशना कहा जाता है, इसे दार कहा जाता है, और इन्हें कुरियो कहा जाता है। ये चीड़ के पेड़ का है, क्योंकि चीड़ के पेड़ लंबे होते हैं, तो इसलिए ये चीड़ के पेड़ का बनाया जाता है। ये चीड़ का भी होता है, ये बांज का भी होता है, और ये जो है ये बांज चीड़ किसी के भी हो सकते हैं। क्या करते हैं कि लकड़ी को बिल्कुल बारीक बारीक काटा जाता है ऐसे में, और फिर इन्हें ऐसे लगाया जाता है। इसके ऊपर से मिट्टी रखते हैं, फिर इसको सेटिंग करते हैं मिट्टी की, फिर ऊपर से जो पत्थर दिखाए थे मैंने अभी आपको, जो पठाला थे, फिर उनको ऊपर से रखा जाता है। तो देख सकते हैं आप कुछ ऐसा। ये बीच में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोड रहता है, इसलिए यहाँ पे दो दो लगा रखे हैं, एक ये एक ये, ये ऊपर भी। और लेटरिन बाथरूम वो रहा, अभी हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है वहाँ पे जाना, क्योंकि हम इस साइड भी क्वारंटाइन में हैं, उस साइड भी क्वारंटाइन में हैं, तो वहाँ पे हम अभी नहीं जा सकते। इसलिए मैं आपको दूर से बता देता हूँ, वो लेटरिन बाथरूम है, एक रूम ये है, और ये नीचे गौशाला है, वो नीचे घर है। तो दोस्तों कुछ ऐसा है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।